बिहार के जमुई में चुनाव में जीत के जश्न के दौरान सरेआम फायरिंग करने पर केस दर्ज हो गया। आरोप लगा कि वहां दो दिन पहले पंचायत चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने खुश होकर न केवल जुलूस निकाला बल्कि हवा में फायरिंग भी की, जिसका वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, क्योंकि वीडियो में जमुई के सबलबीघा गांव में पंचायत चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी के सामने ही उसका समर्थक हर्ष फायरिंग करता दिखा। जश्न में डूबे इस शख्स ने एक बार नहीं बल्कि दो बार हवा में गोली चलाई, वो भी ये जानते हुए कि जुलूस में बहुत सारे लोग शामिल हैं। हद तो तब हो गई जब वीडियो में दिखा कि जुलूस के दौरान भी वो बंदूक लहराता रहा। ये देखकर जाहिर हो गया कि न तो नए नवेले मुखिया को और न ही उसके समर्थक को इस बात की परवाह थी कि हर्ष फायरिंग करके वो कानून को हाथ में ले रहे हैं। हर्ष फायरिंग इस तरह से पब्लिक प्लेस में करना गैर कानूनी है और इसीलिए हम लोगों ने FIR दर्ज किया है। जमुई में 24 सितंबर को मतदान हुआ था और 26 सितंबर को नतीजे आए थे। सौभाग्य की एक बात है कि जश्न मनाने के लिए हवा में गोलियां चलाने का पागलपन कुछ लोगों को शौक लगता है, जिन्हें अपनी ताकत और हथियारों की नुमाइश में कुछ भी गलत नहीं लगता। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि बिहार में जब पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में सभी लोगों के लाइसेंसी हथियार जमा करा लिए जाते हैं, तो जमुई में जीत का जश्न मनाने के लिए हथियार कहां से आते?